इसके लिए मैंने डाल दिए मैदा में अजवाइन, और मैं डालूंगी इसके अंदर नमक, स्वाद अनुसार आप नमक डालिए, और थोड़ा सा हम डालेंगे मोइन इसके अंदर। मोइन डालने के बाद हम एक डो लगाएंगे, और मैं आपको दो तीन प्रकार की चीजें बना के फटाफट दिखाती हूँ। तो मिलते हैं आटा मारने के बाद। तो देखिए, ये मैंने एक रोटी के शेप में बनाया, और फिर इस तरह से कटर से इसको काटूंगा। ये आपका आटा जो है वो हटा दिया, और इसको आप इस तरह से गूंथिए। बहुत ही बढ़िया ये मठरी बन के होती है तैयार। ये होली के लिए मैं आपको तरह तरह के शेप में बता रही हूँ सेम डो से। तो बस ये हमारी हो गई तैयार। तो इसको अब मैं डालूंगी इस कढ़ाई में, और बिल्कुल धीमी आंच में हम इसको सेकेंगे। बिल्कुल करारी और बढ़िया हो जाएंगी ये तैयार। जैसे हलवाई बनाते हैं, ऐसे ही हम भी इसको बिल्कुल धीमी आंच पे बनाएंगे। देखिए, अभी हम इसको नहीं पलटेंगे, थोड़ी देर इसको खोने देंगे। देखिए, ये मैं इसको इस तरह से काजू के शेप में काटूंगी। आप इस तरह से बनाते जाइए और इसको अलग करते जाइए। ये छोटे छोटे आपकी निमकियां हो जाएंगी तैयार अलग अलग शेप में। बस हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस छोटे छोटे काजू बनाने हैं। कोई भी आप ले लीजिए कटोरी, या अगर आपके कटर है आप इस तरह से, ये देखिए है ना बढ़िया नमकीन काजू। तो ये हो जाएंगे हमारे तैयार। इसको हम बिल्कुल करारा सेकेंगे। होली में तरह तरह के व्यंजन बनते हैं। हम गुजिया तो बनाते ही हैं, पर मीठा खाते खाते तंग हो जाते हैं। तो आप इस तरह के ये नमकीन बना के रखिए। ये आपके मिड टाइम स्नैक्स हैं, आपको शाम को खाना है, दिन में खाना है, आप इसी प्रकार से इसको बनाइए। देखिए, नमकीन हमारे काजू हो गए तैयार। और कोई भी आप इस तरह से बस सिंपल काटते जाइए, और ये बढ़िया सी निमकी। और इसमें आप डालिए चाट मसाला, मैंने इसमें नमक अजवाइन डाली है, ये वैसे ही बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए, हमारी बढ़िया करारी मठरी हो गई तैयार। आप आवाज सुन सकते हैं कितनी करारी और कितनी बढ़िया। तो ये एक प्रकार का नमकीन है। अगर आप इसको अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप इसको कलरफुल भी कर सकते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ मेरे ये नमकीन काजू इसके अंदर। ये भी हमारे फटाफट बनके होंगे तैयार। तो बस इस तरह से आप डालते जाइए और इसको बना लीजिए, है ना बढ़िया। होली एक रंगों का त्यौहार है, एक रिच कल्चर है। और होली अलग अलग तरीके से हर प्रांत में मनाई जाती है, और नॉर्थ में और वृंदावन में एक खास त्यौहार है। तो मैं आपको दिखाऊंगी नमकीन समोसे, नमकीन कचौड़ी, और साथ में मैं आपको गुजिया भी बनाना दिखाऊंगी नेक्स्ट मेरे वीडियो में। अभी के लिए मैंने ये दिखा दिया आपको। तो चलिए, एक प्रकार का नमकीन हम आपको और शेप में बता देते हैं। सेम डो से आप अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाइए। अब ये देखिए, ये मेरा बहुत ही प्यारा और फेवरेट नमकीन है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा घी मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। ये इतनी जल्दी बनता है कि बस खाने वाले को भी मज़ा आ जाता है। अंदर हमने मोइन डाला हुआ है, और इसको कुछ नहीं करना, हमें एक फोल्ड और दो फोल्ड बस ये करके, और हमने लगा देनी है इसके अंदर एक सील काली मिर्च की। तो ये बनके हमारा नमकीन हो गया तैयार। मैं पीछे की तरफ से भी इसमें लगा दूंगी एक काली मिर्च। तो ये दोनों तरफ से काली मिर्च लगा के ये चार फोल्ड में हमारा नमकीन हो जाएगा तैयार। बढ़िया बनता है।
सर आपने चाट वालों के यहाँ देखा होगा, जब आप चाट पापड़ी खाते हो तो वो इस तरह का नमकीन ज़रूर बना के रखते हैं। और हम लोग बाहर इतना पैसा देके बनाते हैं, आप घर में बनाइए, साफ सुथरा बनेगा, आपको भी सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने अपने बच्चों को प्योर और बढ़िया खिलाया। इसको आप वैसे भी खा सकते हैं और नहीं तो आप दही में मीठी और खट्टी चटनी डाल के बनाइए तो आपकी करारी दही की पापड़ी हो जाएगी तैयार। तो मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पे अभी बनाऊंगी, तो थोड़ा सा वेट करिए। ये देखिए करारी हमारी पापड़ी हो गई तैयार, आप इसको आराम से एंजॉय करिए और मुझे बताइए ये फटाफट होली की नमकीन आपको कैसे लगे। अजवाइन से वैसे भी स्वाद भी अच्छा आता है और अजवाइन की एक सिग्निफिकेंस ये है कि क्योंकि हम इसको मैदा में बनाते हैं तो ये मैं इसको इस तरह से निकालूंगी। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लेयर आ गई इस नमकीन में और बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया नमकीन हो गया मेरा तैयार। और अब चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। तो इन एडवांस आपको होली मुबारक, रोज़ मेरा चैनल देखिए ताकि आपको आने वाले दो चार दिन में बढ़िया स्वाद वाले होली के पकवान देखने को मिले। कितना बढ़िया।